अगर आप अपने वेट को लेके थोड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप सब चीज़ कर रहे हैं फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी चर्बी कम नहीं हो रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप प्रॉपरली हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आके आपका वेट लेटो होते जा रहे हैं, तो ये वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स, गलतियाँ जो हम सभी करते हैं अपने इस रिवर्सल जर्नी के ऊपर, वो करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखना और ये भी आपको देखना है क्योंकि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप ये पूरी तरह से वीडियो देखते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो एंड में जो आपको मैं टिप देने वाला हूँ वो आपको बहुत बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट आप कर सकेंगे और आपकी वेट रिवर्सल जर्नी और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और फटाफट होगी। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं हम आपके पास ऐसा कुछ कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाए। उसी की श्रृंखला में मुझे जो आपको ये 11 मिस्टेक्स बतानी है उसे बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम लोग नॉर्मली करते हैं वो है हमारे खाने के साथ, हमारे डाइट के साथ। तो आपको इंश्योर करना है कि जो ही फॉर्म ऑफ डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, आप कीटो कर रहे हैं, आप एटकिंस कर रहे हैं, आप या कोई भी फैट डाइट कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे मात्रा में हर एक डाइट के अंदर आपको आपका प्रोटीन्स, आपका फाइबर अच्छी मात्रा में लेना है, चाहे आप वो किसी भी सोर्स से ले रहे हों। तो आपको आपको कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम रखना है। अगर आप कोई पेलियो डाइट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका फैट परसेंटेज बहुत बढ़ा देते हैं, पर हर एक इन डाइट के अंदर आपको प्रोटीन्स आपको डेफिनेटली लेने ही लेने हैं, अच्छे मात्रा में आपको फाइबर्स लेने ही लेने हैं, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप रात में खाना बहुत लेट खाते हैं, यानी अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं, जी हाँ, तो आपका खाना फर्स्ट ऑफ ऑल ढंग से पचता नहीं है, अच्छी मात्रा में आपकी सूर्यास्त के बाद जठर में अग्नि होती नहीं है, तो जो भी आप खाना खाते हैं बेसिकली वो वहीं पर अटका रहता है, उसका अच्छे ढंग से प्रोसेस नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, असिमिलेट नहीं होता, इसकी वजह से आपकी जो बॉडी की शुगर है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी रहती है। तो खाना आपको शाम का 7 या 7:30 से पहले खाना है या सूर्यास्त से पहले खाना है, और सुबह भी आपको सूर्योदय के बाद ही खाना है। तो सूर्यास्त और सूर्य उदय ये दो पीरियड के बीच में ही आपको जितना आपका खाना आपको बोला गया है उतना आपको खाना चाहिए। आपकी फिजिकल प्रैक्टिसेस, आपकी एक्सरसाइजेस आपको वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मली आपको सजेस्ट की जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको ऐसी ही प्रैक्टिसेस करनी है जिससे आपके नी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आए, आपके बैक में नहीं इम्पैक्ट ज़्यादा आए, और उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं वो आपके लिए डिज़ाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए जो डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं वो आप करें तो शायद उसका इतना अच्छे ढंग से आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। तो एक्सरसाइज आपके लिए जो डिफाइंड होती हैं वही आपको करनी है। और एक्सरसाइज के अंदर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं करनी, हमें उतनी करनी है जहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें, जहाँ पे हमारी अच्छी मूवमेंट्स हो, हमारे हर एक जॉइंट लिम्ब और हमारी बोन्स की अच्छी तरह से मोशन में आए। आई थिंक दैट शुड रियली डू द ट्रिक फॉर यू, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपका वेट कम नहीं होगा, तो आपको थोड़ा तो कैलोरी डेफिसिट कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में करना ही होगा। आप कौन से टाइप की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं होती। तो कुछ लोग सिर्फ रेजिस्टेंस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करते हैं, पर हर एक को अपनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली प्रैक्टिसेस करनी है। कुछ लोग सिर्फ योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं विदाउट एनी वेट ट्रेनिंग करते हैं, या विदाउट सिर्फ अपनी बॉडी के वेट के साथ प्रैक्टिसेस करते हैं, वो भी चलता है, पर आपको आपकी खुद की बॉडी को समझ के प्रैक्टिसेस करनी है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 से 8 घंटा अगर आप नहीं सोएंगे और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बना रहेगा,
और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बनता है उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से बॉडी अपने फैट को पकड़ के रखती है, अपनी चर्बी को, अपने इंसुलिन को पकड़ के रखेगी, अपने इन्फ्लेमेशन यानी पानी को पकड़ के रखेगी। तो कॉर्टिसोल्स को अगर आपको नीचे लेके आना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको कम से कम 6 से 8 घंटा अच्छी वाली नींद करनी है, बिल्कुल शांत वाली नींद। कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि हम लोग सोएं तो कितने बजे। अगर आप 10 से 12 के बीच में सो सकते हैं, जी हाँ 10 से 12 के बीच में, क्योंकि वो टाइम एक बहुत ही हाई ऑन वाइब्रेशनल टाइम होता है जहाँ पर आपकी सोने वाली ऊर्जाएं बहुत अच्छे ढंग से उत्प्रेरित होती हैं। और अगर आप उस समय सोते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी की उन वाइब्रेशंस को एनहेंस करते हैं जो आपकी स्लीप को और अच्छा एनहेंस कर देता है, और आपका एक जो बहुत ही डीप स्लीप आने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वर्सेस अगर आप 12 के बाद सोएंगे तो आपको इतनी अच्छी ढंग से नींद नहीं आती है, आप एक सेमी स्लेप्ट स्टेट के अंदर रहते हैं, आप डीप स्लीप में नहीं जाते, उसकी वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं होता। जस्ट एज अ साइड नोट, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड प्लान है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट रिवर्सल प्रोग्राम, जिसमें आप ही के जैसे लोग हमारे से जुड़ते हैं और हमारे साथ काम करते हैं 1-on-1 हमारे पर्सनल प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप भी बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ काम करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं अपने रिवर्सल के बारे में, वेट के बारे में, वजन के बारे में, या दूसरे कोई भी क्रॉनिक इश्यूज हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स यहाँ पर नीचे हैं और हमारे अगले प्रोग्राम के साथ जुड़ भी सकते हैं। अगली मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है स्ट्रेस। अगर आप हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, तो होता क्या है, जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल बनेगा, जितना ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल बनेगा उतना ही आपका वेट कम लॉस होगा। तो भले ही आप कितना भी जिम में चले जाएं, भले ही आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भाग लें, फिर भी अगर आप मन से शांत नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लें आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो आपको स्ट्रेस फ्री होना है और इसलिए आपको थोड़ा शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस यानी आपके थायराइड, डायबिटीज़, किडनी के इश्यूज, या आपके कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत समय तक जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंट्रोल में लेके आना पड़ता है। जी हाँ, अगर जब तक वो सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डायबिटीज़ या थायराइड आपके थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक रोड़ा बनता है, बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल बनता है आपकी रिवर्सल जर्नी में। तो आपको इंश्योर करना है कि जब कभी भी आप कोई भी वेट लॉस रिवर्सल प्रोग्राम्स के अंदर आप काम करें, तो ये सारी चीज़ों को आपको डेफिनेटली अपने कंट्रोल में उसी के साथ में लेके आना पड़ता है। इंसुलिन, जी हाँ इंसुलिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसुलिन, मैं तो नॉन डायबिटिक हूँ, मुझे इंसुलिन से क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ मेरा वज़न ज़्यादा है तो मुझे इंसुलिन के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपका वेट का इशू है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। बेसिकली इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर बहुत ज़्यादा इंसुलिन बहुत ख़राब होती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी इंसुलिन जिस तरह से काम करता है वो अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके अंदर आप देखिए, होमा टेस्ट करके एक होता है, उसके अंदर आपको आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी पता लगता है। एसिडिटी, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जी हाँ, जहाँ पर आपका पीएच लेवल 6 से ज़्यादा है या 5.5 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाब है। जहाँ पर ज़्यादा एसिड होगा, जहाँ पर ज़्यादा फायर होगा, वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा पानी आएगा। थिंक ऑफ इट, कहीं पर भी अगर हमारे शरीर में से फॉर एग्जांपल थोड़ी कहीं जल गया तो क्या होता है, वहाँ पे फोड़ा हो जाता है, यानी पानी आके पकड़ लेता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारी बॉडी में 24/7 हो रही है। हमारी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रही है तो उतनी ही मात्रा में वो पानी को पकड़ के रख रही है, क्योंकि वहाँ पे फायर है। तो इंश्योर करना है कि आपका एसिड लेवल डेफिनेटली कम होना चाहिए। आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी आपकी सूजन, जी हाँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन रहती है यानी बॉडी बहुत पानी को पकड़ के रखती है, तो आपको अपने कोच के साथ काम करना है, आपके ट्रेनर्स के साथ काम करना है, टू इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल में लेके आने के लिए। क्योंकि जब तक वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी जहाँ पर भी आपकी स्वेलिंग होती है,
वो अगर जब तक कम नहीं होगी तब तक वेट कम नहीं होता। अब आते हैं हमारी टिप पे। जी हाँ, और ये टिप सब लोगों के लिए काम करेगी, प्रोवाइडेड आप ये ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं उनको आप ढंग से कंट्रोल में रखेंगे। याद कुछ आपको ऐसे रखना है, पीवीसी पाइप। जी हाँ, पीवीसी पाइप। ओके, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटीन, डी स्टैंड्स फॉर योर वेजिटेबल, सी स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी आप खाना खाते हैं ना, हम सभी देसी लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, चपाती लेते हैं और सब इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। या हम कभी भी शुरुआत ही हमारे काप से करते हैं, यानी रोटी से करते हैं, भाकरी से करते हैं, चावल से करते हैं, पूरी से करते हैं, इडली या डोसे से करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप वैसे नहीं खाएंगे, क्योंकि जब भी आप काप्स पहले खाते हैं, जी हाँ कार्बोहाइड्रेट्स पहले खाते हैं, आपकी चपाती या आपका चावल पहले खाते हैं, तो होता क्या है, बॉडी अपने ऑटोमेटिकली आपकी जो इंसुलिन है उसे बढ़ा देती है, प्लस उसी के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट रिटेंशन बढ़ जाता है। तो अगर आप वैसे खा रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कम से कम 19-29%, और ये रिसर्च बेस्ड इनपुट है, जहां पर 19-29% आपकी बॉडी ज़्यादा शुगर को पकड़ के रखेगी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ के रखेगी, ग्लूकोज को पकड़ के रखेगी, इन टर्न वो आपके ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे आपके फैट में। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम कभी भी शुरुआत करना है आपको आपके प्रोटीन से, फिर आप जाएंगे आपके वेजिटेबल्स के ऊपर, फिर जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर खाने का। इस तरह हमेशा तरीका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल नीचे है, निःशुल्क है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है।